हाँ जी बच्चों कैसे आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर दोस्तों आज हम लोग जीएसटी के दो टॉपिक्स आईटीसी और रजिस्ट्रेशन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और आप ये कह सकते हो कि हम लोग इस सेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से राइट मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन करूं मेरे आंसर निकालने से पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालिएगा एंड देन आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा सिर्फ बैठ के ये वीडियो देख लेने से कोई काम नहीं होने वाला राइट right? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कृष्णा मोटर्स इज अ कार डीलर सेलिंग द कार्स एफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेस ऑफ द कार तो सर ये कार की सर्विसेस भी देता है मतलब गुड्स का भी सप्लायर है और सर्विस का भी सप्लायर है आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ आई इनको अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ बिलो एक्सपेंसेज इनकर्ड बांग बिजनेस ऑपरेशन इन्होंने कार परचेस करी है फ्रॉम द मेनुफैक्चर फॉर मेकिंग द फर्दर सप्लाई ऑफ द कार्स टू ऑफ सच कार्स आर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट वाइल बीइंग यूज फॉर द टेस्ट ड्राइव बाय द पोटेंशियल कस्टमर जीएसटी पेड ऑन देयर परचेज रूपीज वन लैक एंड वी हैव अवेल्ड द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कार शेड इन इट्स प्रेमाइसिस तो अब अगर आईटीसी वाले चैप्टर की बात करें तो सेक्शन सिक्सटीन सॉरी सेक्शन सेवनटीन फाइव कहता है कि अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो आपको उनका आई नहीं मिलेगा यानी कि ये एक लाख रुपए का आई हमारा ब्लॉक्ड है इसमें कोई दो राय नहीं है ये वाला आई हमारा ब्लॉक चल रहा है ठीक है ये एक लाख रुपए का आई हमारा ब्लॉक चल रहा है अब अगर आप कार के डीलर हो और आप कार खरीदते हो आगे बेचने के लिए तो इसका क्रेडिट आप ले सकते हो तो 20 लाख ,00 में से ये 1 लाख ,00 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा तो 20 लाख ,00 में से 1 लाख ,00 का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि कार डिस्ट्रॉय हो गई है और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनका आईटीसी नहीं मिलता यानी कि 19 लाख ,00 रुपीज का आपको आईटीसी यहां पर मिलेगा इसके अलावा आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स uh, कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लेते हो, तो इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है आप इसका आईटीसी नहीं ले सकते तो मैक्सिमम आईटीसी आपको यहां पर कितना मिलेगा सर यहां पर हमको जो मैक्सिमम आईटीसी मिलेगा वो 19 लाख ,00 ,00 रुपीस का मिलेगा यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए दैट इज 19 लाख नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आई टी सी कैन नॉट बी टेकन ऑन हम किसका आई टी सी नहीं ले सकते हम किस चीज का आई टी सी नहीं ले सकते अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग द टेक कंसल्टेंसी बाइज द मोटरसाइकिल फॉर हिज यूज ऑफ एम्प्लॉय तो सर आपने मोटरसाइकिल खरीदी है एम्प्लॉयज के लिए मोटरसाइकल खरीदी है तो सर आपका टू व्हीलर का टू व्हीलर का अगर इंजन 25 सीसी तक का होता है तो आईटीसी मिल जाता है अप टू 25 सीसी तक का आईटीसी मिल जाता है इस क्वेश्चन में सीसी नहीं बताई है तो मान के चलते कि इसका आईटीसी नहीं मिलेगा सर इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है मोटर ड्राइविंग स्कूल है आपका और आपने कार खरीदी है ट्रेनिंग देने के लिए तो 175 के एक्सक्लूजन में जाता है इसका आई आपको मिल जाएगा आपका फ्लाइंग स्कूल है और आपने इंपोर्ट किया है एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रेनिंग एक्टिविटी तो अगर आपका फ्लाइंग स्कूल है जहां पे आप एरोप्लेन उड़ाना सिखाते हो आपने एरोप्लेन खरीदा उसका आपको आई मिल जाएगा मैन्यूफेक्चरर हो और आपने बाय किया है स्मॉल ट्रक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स इनपुट एंड फिनिश गुड्स तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपने खरीदा है तो इसका आईटीसी भी आपका मिल जाएगा अब ऑप्शन के अंदर टू थ्री और फोर आपको नहीं दिख रहे ऑप्शन में केवल टू थ्री फोर आपको नहीं दिख रहे इसका मतलब यह है कि हम इसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं हम इसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका ए करेक्ट आंसर आपका ए निकल कर आएगा मतलब यहां एज्यूम कर लेंगे कि ये अप ट्वेंटी फाइव सीसी है ये एज्यूम कर लेंगे कि ये अप ट्वेंटी फाइव सीसी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं के हायर करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज फॉर द रिपेयरिंग ऑफ इस फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री को रिपेयर करने के लिए ऑन अ लमसम पेमेंट ऑफ इलेवन थाउजेंड लमसम पेमेंट करी है इलेवन लैख एटी थाउजेंड डेबिट करते हैं हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द पीएल अकाउंट एंड रिमेनिंग हाफ ये डेबिट करते हैं बिल्डिंग अकाउंट यानी कि इन्होंने ग्यारह लाख अस्सी हजार रुपए का खर्चा किया है इस ग्यारह अस्सी में से फाइव लैख नाइन्टी थाउजेंड पीएल में गया है और फाइव नाइन्टी थाउजेंड आपका बिल्डिंग के अकाउंट में गया है मतलब कि हमने ये खर्चा कैपिटलाइज किया है कैपिटल नेचर का रिपेयर है और जब कैपिटल नेचर का रिपेयर होता है तो इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है ये आपको नहीं मिलेगा ये जो पांच लाख नब्बे हजार का रिपेयर है जो पीएल में डेबिट हुआ है ये रेवेन्यू नेचर का है इसे कंस्ट्रक्शन नहीं मानते इसका आईटीसी हमको मिलेगा जीएसटी का रेट 18% परसेंट है आपको बताना है के कितना आईटीसी ले सकता है हमने लमसम पेमेंट करी है मतलब इस पेमेंट के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो अगर फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करके 118 से इसको डिवाइड करा दीजिए 118 से इसको डिवाइड करा दीजिए तो सर फाइव इंटू एटीन डिवाइड बाई वन वन एट आपके पास नाइन्टी थाउजेंड आ जाएगा तो आपको आईटीसी कितने का मिलेगा आपको आईटीसी मिलेगा नाइन्टी थाउजेंड रुपीज का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के हायर करता ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ठीक है सेम क्वेश्चन आ गया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ऑन टेंथ डिसम्बर ट्वेंटी थ्री एक्स लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दी है कैपिटल दो लाख पचास हजार रुपए की जो इसने परचेस करी थी एक जुलाई दो हजार बाईस को आठ लाख रुपए की और इस पर जीएसटी दिया था एटीन परसेंट का आपको बताना है क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांसफर तो जब आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आपका जो रिड्यूस्ड क्रेडिट होता है या फिर जो ट्रांजेक्शन वैल्यू का जीएसटी होता है इन दोनों में जो भी हायर होता है वो आपको रिवर्स करना होता है मतलब वो आपको पे करना होता है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है ढाई लाख की आपने ढाई लाख पे इसको बेचा है ढाई लाख का अट्ठारह परसेंट कितना हो गया ढाई तो लाख का अट्ठारह परसेंट हो गया फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड और सर जो रिड्यूस्ड क्रेडिट है वो कैसे निकलेगा सर जितना आई आपने लिया था उसमें से फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ आपको माइनस करना पड़ेगा आपने कितना आईटीसी लिया था आठ लाख ,00 का एटीन परसेंट आपने आईटीसी लिया था वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड आपने कितने क्वार्टर इसको यूज किया जुलाई बाईस से लेकर दिसंबर तेईस तक तो 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दो क्वार्टर आ गए और 2023 का पूरा साल है मतलब चार क्वार्टर आ गए टोटल छह क्वार्टर हो गए हर क्वार्टर का पांच परसेंट का रिडक्शन है यानी कि छह क्वार्टर का थर्टी परसेंट रिडक्शन हो जाएगा इसका मतलब वन फोर्टी फोर में से थर्टी परसेंट चला जाएगा बचेगा आपके पास वन लैख एट हंड्रेड तो आपको दोनों में जो हायर है वो रिवर्स करना है हायर निकल कर आ रहा है वन लैख एट हंड्रेड यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए वन लैख एट हंड्रेड आपको रिवर्स करके चलना पड़ेगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि एबीसी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है कंपनी ने इन्वेंट किया है एक ड्रग फॉर द इंस्टेंट क्योर ऑफ कैंसर एक ड्रग बनाया है दे सप्लाइड फ्री सैंपल ऑफ दिस मेडिसिन टू द वेरियस डॉक्टर्स वॉट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दीज फ्री सैंपल इन फ्री सैंपल्स का ट्रीटमेंट क्या होगा क्या इसका आई टी सी मिलेगा एबीसी लिमिटेड इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल एंड एलिजिबल टू क्लेम द आई टी सी सर फ्री सैंपल्स है कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है यह ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी तो पहला ऑप्शन तो गलत है ABC लिमिटेड इज नॉट लाइबल टू पे सप्लाई ऑन द फ्री सैंपल बट एलिजिबल टू क्लेम द आई टी सी सर यह भी गलत है हम जीएसटी नहीं देंगे क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है ये बात तो सही है लेकिन अगर आप फ्री सैंपल्स बांटते हो तो आप उसका आई टी सी भी नहीं ले सकते एबीसी लिमिटेड इज नीदर लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द सप्लाई नॉर एलिजिबल टू क्लेम द आई टी सी यह ऑप्शन सही है एबीसी लिमिटेड इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई डी ऑप्शन गलत है यहां पर राइट right आंसर क्या निकलेगा सी ना तो हमें हमारी सप्लाई पे टैक्स लगेगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है और फ्री सैंपल्स का आप आईटीसी भी नहीं ले सकते चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन टैक्स पेयर नीड्स टू रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू सप्लायर ईदर होली और पार्टली अगर हमारे रिसिपियंट ने पेमेंट नहीं किया सप्लायर को तो उस केस में उस केस में रूल कहता है कि बाबू 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18 परसेंट पर एनम एट द रेट ऑफ 18 परसेंट पर एनम पेमेंट इज नॉट मेड टू दप्लायर विद इन फोर्टी फाइव डेज सर ये ऑप्शन गलत है इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू ये ऑप्शन अब यहां पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है कि सर अगर आपने पेमेंट नहीं करी सप्लायर को विद इन एटी डेज तो उस केस में आपको अपना आई टी सी रिवर्स करना पड़ता है अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एन एम चलिए अगले क्वेश्चन पे हैं। वेदर द क्रेडिट ऑन द इनपुट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट or द रिसीट ऑफ गुड्स हमें आई टी सी कैसे मिलता है सर सेक्शन नंबर सोलह सेक्शन नंबर सोलह कहता है कि सर जो आपका व्यक्ति होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपने जो इनवर्ड सप्लाई ली है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो चुकी होनी चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए आपका जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया होना चाहिए और जो रिसिपियंट है उसने अपनी जीएसटी रिटर्न जीएसटी रिटर्न थ्री वाली सेक्शन थर्टी में यह फाइल कर दी होनी चाहिए अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आप आईटीसी लेने के लिए क्या हो जाते हो एलिजिबल हो जाते हो तो यहां पर यहां पर तो आपके पास गुड्स भी होने चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए तो आपका सही आंसर क्या होगा बोथ आपके पास गुड्स भी होने चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए करेक्ट आंसर जो होगा वो यहां पर होगा सी करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यहां पर सी चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है द आईटीसी ऑन द परचेस ऑफ इनवॉइस डेटेड सेकेंड मार्च ट्वेंटी थ्री हमने सेकेंड मार्च ट्वेंटी थ्री को गुड्स खरीदे थे उसकी इनवॉइस हमारे पास है और हम इसका आईटीसी लेना भूल गए गलती से मिस्टेक हो गई हम इसका आईटीसी लेना भूल गए द अकाउंटेंट रियलाइज दिस मिस्टेक ये मिस्टेक अकाउंटेंट को रियलाइज हुई ऑन फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी थ्री एनुअल रिटर्न 2022-23 की अभी तक फाइल नहीं हुई है कैन ही नाउ क्लेम द क्रेडिट फॉर सच इनवॉइस तो क्रेडिट क्लेम करने की लास्ट डेट क्या होती है सर क्रेडिट क्लेम करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है थर्टीथ नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो 22 तेईस का इनवॉइस है अगला फाइनेंशियल ईयर 23 24 होगा और 23-24 में थर्टीथ नवंबर कब आएगी 30 नवंबर 23 या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की डेट और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एनुअल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है यह हमको अवेलेबल ही नहीं है इन दोनों में जो भी अर्लियर होता है वो हमारे लिए लास्ट डेट होती है तो यहां पे अर्लियर क्या निकल रहा है सर अर्लियर निकल रहा है तीस नवंबर अर्लियर निकल रहा है तीस नवंबर थर्टीए नवंबर तो तीस नवंबर दो हजार तेईस तक आप आईटीसी ले सकते हो और अभी तारीख कितनी है 1 ही हुआ है नवंबर हुआ अभी एक नवंबर ही हुआ है आपको आपकी मिस्टेक मिल गई है तो आप इसका आई ले सकते हो यस एज द लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द क्रेडिट इज थर्टीएथ नवंबर और द एनुअल रिटर्न विच एवर एज अर्यर तो हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं तीस नवंबर तक हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं तीस नवंबर तक और अभी एक नवंबर ही हुआ है जब हमको हमारी मिस्टेक मिल गई है तो हम एक नवंबर को इस इनवॉइस का आईटीसी ले लेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन फिर से रिपीट हो गया सेम है आइए क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है एडवाइस करो रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी क्या हमें आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ए एम कंपनी ने परचेस करी है मिनी बस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 16 परसेंट की है यह एम्प्लॉइज को उनके घर से ऑफिस ऑफिस से घर लेके जाने के लिए है तो इसका आईटीसी मिलेगा यस yes. बांगर ने बांगर ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दो ट्रक्स खरीदे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या इसका आई इसका आईटीसी भी मिलेगा खरीदी yes, मिल है कस्टमर फर्दर सप्लाई के लिए गाड़ियां खरीदी है सन एंड मून पैकर्स लिमिटेड इन्होंने आउटडोर केटरिंग सर्विसेस ली है टू रन द कैंटीन इट्स फैक्ट्री द फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू सेटअप द कैंटीन इन द फैक्ट्री तो सर अंडर अ स्टेचूटरी ऑब्लिगेशन हमने आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली है अपने एम्प्लॉइज को कैंटीन सर्विसेज के लिए तो इसका आईटीसी भी हमको मिल जाएगा इसका आईटीसी भी हमको मिल जाएगा यस तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बी होगा यस 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 और यस 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 और यस ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो बी होगा ठीक है सारे आंसर इसके यस yes, निकल कर आएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की मिस्टर एक्स 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 ऑफ ऑफ मिस्टर किधर के हैं सर एक्स दिल्ली के हैं इस पार्टिसिपेटिंग इन द हाईटेक्स फर्नीचर एक्सपो इन हरियाणा वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इनके पास यहां पे कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ये एग्जिबिट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट डूरिंग द एक्सपो द सेट प्रोडक्ट विल बी सो टू दीपल दिन का है और हरियाणा के एक एक्सपो में पार्टिसिपेट ले रहा है और इसका हरियाणा में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो so, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कैजुअल टेक्सेबल पर्सन का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का तो सर यहां पर जब कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट पे टेम्पररी सप्लाई करने के लिए जाता है तो उसको दूसरी स्टेट में मैंडेटरली सेक्शन ट्वेंटी फोर के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो यहां पर यहां पर यहां पर जो राइट right आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बी दैट मिस्टर एक्स हैज टू टेक अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसके बाद निकलकर आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे क्या कह रहा है कैन रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड तो देखो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव है वो पावर देता है कि आप अपनी मर्जी से वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले सकते हो मतलब आपको सेक्शन ट्वेंटी टू नहीं कह रहा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको सेक्शन 24 नहीं कह रहा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन आप वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन सीख कर सकते हो ठीक है अगर वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन लेने के छह महीने के अंदर अंदर आपने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया तो जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अगर आपने धंधा स्टार्ट नहीं किया विद इन द सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपने छह महीने के अंदर धंधा स्टार्ट नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लाइबल टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक ठीक है? है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राघव इज एंगेज इन द होलसेल कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ असम तो ये मेडिसिन बेचते हैं आसाम में इनका एग्रीगेट टर्न ओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज नाइन लैख विच कंसिस्ट ऑफ एट लैख एज इंट्रा सप्लाई एंड वन लैख एज अ इंटर स्टेट सप्लाई इन्होंने नौ लाख रुपए की सेल करी है जिसमें आठ लाख रुपए की इंट्रा सप्लाई है और एक लाख रुपए की इंटर सप्लाई है आपको बताना है कि भैया इनको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है तो राजा बेटा अगर कोई व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है अगर कोई व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड करता है तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर इनसे कहता है कि बेटा आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके चलना है तो राघव भैया क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं ही इज लाइबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन ठीक है यस ही इज लाइबल टू मेक ही हैज टू लाइबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन तो आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा सी सी विल बी द करेक्ट आंसर कि इनको रजिस्ट्रेशन लेके चलना पड़ेगा बिना उसके इनका काम नहीं हो सकता इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मीनू एक सप्लायर है महाराष्ट्र के एंगेज इन द सप्लाई ऑफ पोटैटोज विद इन द महाराष्ट्र एंड ऑल्सो आउटसाइड द महाराष्ट्र टर्न ओवर अ थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर द जीएसटी लॉ इज ही लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सर ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हैं विद इन महाराष्ट्र और आउटसाइड द महाराष्ट्र मतलब इंट्रा और इंटर इंट्रा और इंटर ये पोटैटोस बेच रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो राजा बेटा हमारे पास एक सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री है वो कहता है कि अगर आप होली एंगेज हो होली एंगेज हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने में जो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड आता है जो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड आता है मतलब आपने फार्मिंग करी है लैंड के कल्टीवेशन से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकाला है और आप उसको सप्लाई कर रहे हो और आप इसमें होली एंगेज हो मतलब इसके अलावा और कोई धंधा नहीं कर रहे हो तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री आपको रजिस्ट्रेशन लेने से बचाता है आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो यहां पे हमारा सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री लगेगा और सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री आप लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देगा चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की मिस्टर देव आनंद इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटेटिंग द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज वेरियस क्लाइंट मतलब की ब्रोकर है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी चालीस लाख रुपए का, ,000 ,000 का आ रहा है। और इनका ब्रोकरेज ऑन अकाउंट ऑफ फेसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज थर्टी लैख का आ रहा है आपको बताना है क्या इनका एग्रीगेट टर्न ओवर होगा तो अगर आप एग्रीगेट टर्न ओवर की डेफिनेशन देखो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आती है आपकी टैक्सेबल सप्लाई चाहे वो एफसीएम में टैक्सेबल हो चाहे वो आरसीएम में टैक्सेबल हो मतलब आपने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है इसके अंदर आती है एग्जम्प्ट सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई में तीन तरीके की सप्लाई आती है ऐसी सप्लाई जो निल रेटेड है ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल के अंदर दो चीजें आती हैं एक आता है एल्कोलिक लिकर और एक आता है आपका एचपी मैन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसके अलावा इसमें आती है एक्सपोर्ट तो जो आपका सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन है ये जो आपका टर्नओवर है चालीस लाख रुपए का ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इट इज नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस आपका मनी और सिक्योरिटी आपका मनी और सिक्योरिटी ये ना तो गुड्स होते हैं और ना तो ये सर्विसेज होते हैं तो इनको टर्न का पार्ट नहीं बनाया जाएगा तो अगर आप इनका टर्न निकालोगे तो ये चालीस लाख रुपए टर्न में नहीं आएगा इनका जो टर्न बनेगा वो बनेगा थर्टी लाख रुपीज तो राइट आंसर आपके पास निकल कर आएगा ए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ नॉन रेसिडेंट टेक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एक एन को एक एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना पड़ता है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच हीस्ट फाइव डेज प्रायर टू दमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और नन ऑफ द अब तो जो आपका एनआरटीपी होता है और जो आपका कैजुअल टेक्सेबल पर्सन होता है इन्हें बिजनेस कमेंसमेंट के कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता है इसके साथ साथ इनको एडवांस में टैक्स देना पड़ता है इनको अपनी टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करनी होती है और एडवांस में टैक्स देना होता है इसके अलावा इनको जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 90 डेज का मिलता है इसके बाद ये एक्सटेंशन भी सीख कर सकते हैं लेकिन वो भी मैक्सिमम नाइनटी डेज का ही मिलता है तो इनिशियली नब्बे दिन का रजिस्ट्रेशन मिलता है और फिर अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो फर्दर आपको नाइनटी डेज तक का एक्सटेंशन गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रैंड कर सकती है एग्रीगेट टर्न ओवर विकास ऑफ मुंबई एंगेज इन आपका ऑफ आपका, सर्विस आपका है वो ट्वेंटी लैख रुपीज को एक्सीड किया है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को इट सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन फिफ्टींथ Feb ट्वेंटी थ्री इसने पंद्रह फरवरी तेईस को एप्लीकेशन दी मतलब पच्चीस जनवरी को आप लाइबल हुए पच्चीस जनवरी को आप लाइबल हुए और आपने एप्लीकेशन डाल दी है पंद्रह फरवरी को मतलब विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज आपने अप्लाई कर दिया यहां पर बीस दिन निकल रहे हैं तो विद इन थर्टी डेज आपने अप्लाई कर दिया आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा तो अगर आप विद इन थर्टी डेज अप्लाई कर देते हो तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जब आप लाइबल हुए थे क्योंकि आपने विद इन थर्टी डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपके लिए जो एप्लीकेबल निकलेगा वो निकलेगा सी दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जैन पच्चीस जनवरी पच्चीस जनवरी राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे जायलो एंड कंपनी इनकी तीन ब्रांचेस हैं एक जलंधर में है एक अमृतसर में है एक लुधियाना में है अमृतसर और लुधियाना ब्रांच जो है वो एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ गारमेंट जबकि जलंधर ब्रांच में शूज बेचे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर लीगली अवेलेबल फॉर द single कैन for the रजिस्ट्रेशन फॉर द पंजाब डिक्लेयरिंग एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस एंड द अदर टू ब्रांचेस प्लेस तो ये ऑप्शन अवेलेबल है आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप पंजाब के अंदर ही हो जलंधर अमृतसर लुधियाना ये तीनों के तीनों सिटीज पंजाब के अंदर आते हैं तो आप विद इन द सेम स्टेट आप विद इन द सेम स्टेट एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेकर मल्टीपल काम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जायलो कैन ऑप्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ अमृतसर जलंधर एंड लुधियाना जायलो कैन ऑप्टेन वन रजिस्ट्रेशन फॉर द शूज शूज के लिए एक रजिस्ट्रेशन ले लें और गारमेंट्स के लिए यह अलग से रजिस्ट्रेशन ले लें तो ये ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है तो ये क्या कर सकते हैं ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जा सकते हैं तो इनके पास इनके पास इनके पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा वन और थ्री ये वन होगा इनके पास करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा वन और थ्री इट विल बी ए डी वन चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात करते हैं रामा लिमिटेड प्रोवाइड अच्छा एक काम करते हैं इनके पास ये तीनों ऑप्शन आ सकते हैं यहां पर इनके पास तीनों ऑप्शन आ सकते हैं ये चाहे तो अमृतसर वाले बिजनेस का अलग रजिस्ट्रेशन ले लें जलंधर वाले का अलग ले लें और लुधियाना वाले का अलग ले लें ऐसा ये कर सकते हैं इनका जो आंसर निकलेगा वो बी निकलेगा ये चाहे तो अपने तीनों, तीनों 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 ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे चलते हैं रामा हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सप्टेंबर सप्टेंबर के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करी है आठ लाख ,00 की इंटर स्टेट एक्जेम सप्लाई करी है पांच लाख ,00 की एक्सपोर्ट करा है दस लाख रुपए का पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग द जी टी ए सर्विस इनवर्ट सप्लाई है ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है और ये आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है कैलकुलेट करना है एग्रीगेट टर्नओवर इनवर्ट सप्लाई कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती आउटवर्ड सप्लाइज एग्रीगेट टर्न का पार्ट बनती हैं और अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्न में क्या क्या आता है आपकी टैक्सेबल सप्लाई आपकी एग्जाम सप्लाई और आपकी एक्सपोर्ट तो यहाँ पे आपको तीनों मिल रही हैं यहाँ पे आपको तीनों मिल रही हैं ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई है ये आपकी एग्जाम सप्लाई है और ये आपका एक्सपोर्ट है तो दस पाँच 15, 15 और 8, 23, 23 लाख रुपए यानी कि सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको मैं होमवर्क पे दूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट पे आके रिप्लाई कर दूंगा राइट right? तो उम्मीद करता हूं आपके लिए सेशन बढ़िया रहा होगा मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अपना अपना ख्याल रखिए बाय टू एवरी लव यू